नाश्ता विद ओरियो। हेलो ओरियो, ओरियो ओरियो मटर खाने में मसरूफ, और हमें धूप भी मिल रही है। ओरियो ओरियो क्यों नहीं? क्या तेल से बाल कैसे हो जाते हैं? मोटे। तो अच्छी बात है ना, तो मोट लगाना चाहिए। नहीं मैं मोटे वाला अच्छी नहीं, पतले। तो गंजी हो जाओगी तुम। नहीं छोड़े सारे गंदे हाथ दीवार को यार अरुष। मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। लोग सब्सक्राइब कर दे। सही है, ठीक है, पूरी दुनिया। हाँ यम्मी ट्रीट फ्रॉम नेबर्स, ये हमें नेबर्स ने दिया है। ए ये हमारी प्यारी सी आंटी ने दिया है। कौन सी आंटी ने दिया है? सामने वाली। क्या कहती हैं उनको आप? प्यारी आंटी। यार जो कॉफी डे, आज मैं जो रेसिपी अपनी रिकॉर्ड कर रही थी वो कोई भी स्टेप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। पता नहीं क्यों, ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने बाद में देखा कि मेरी रेसिपी की जो भी रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बना रही थी काली मिर्च की कढ़ाई, यानी कि ब्लैक पेपर कढ़ाई, तो अब वो बन गई है और रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं है। तो कोई गल नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर मैं बनाऊँगी तो फिर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप मेरे इस जोक पर हंस लें, क्योंकि मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा जोक हुआ है। आप लोगों को पता है कि मदर्स की लाइफ कितनी हेक्टिक होती है, ज़रा बच्चों को देखना फिर घर को देखना। तो हो सकता है कि कोई ना कोई मिस्टेक मुझसे हो गई हो, तो कोई गल नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को इसकी जो है फाइनल सर्विंग दिखा दूँगी। रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ। तो बस मेरे साथ साथ रहे मेरी ब्यूटीफुल। तो जी जनाब, हाजिर हूँ मैं अपनी फाइनल सर्विंग के साथ। चेक करें इसकी खूबसूरती आप। जी हाँ, ये ब्लैक पेपर चिकन यानी कि काली मिर्च की कढ़ाई झटपट बन जाती है, 15 से आधे घंटे, आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा है, 15 मिनट में बन जाती है ये, अगर सामान आपके पास हो और कोई मेहमान आ जाए तो। झटपट रेसिपी है इसकी। रेसिपी जो है वो आज कहीं गुल हो गई, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, जोक ऑफ द डे हो गया। खैर मैं इसको सर्व कर रही हूँ रायते के साथ और सैलेड के साथ। मेरे घर में मेरी मील के साथ सैलेड और रायता लाजमी होता है, मैं अपने घर वालों को देती हूँ भाई। इन चीज़ों के बगैर मुझे लगता है कि खाना ऐसे कि आप खाना जो है किसी के मुंह पे मार दोगे, ये लो खा लो, तो इस तरह नहीं अच्छा लगता। थोड़ा एफर्ट ज़रूरी होते हैं सिंपल खाने को मज़ेदार बनाने के लिए। खैर बहुत ज़्यादा बोल लिया, आप इसका फाइनल लुक चेक करो, इसकी खूबसूरती चेक करो करीब से। इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार शानदार डिश है यार, बहुत ईजी रेसिपी है। तो बस मेरे साथ साथ है ना, मैं अपने ब्यूटीफुल्स को ज़रूर बताऊँगी। तो जी जनाब, मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए पैन पिज़्ज़ा। हाँ पैन केक तो सुने होंगे आपने, पैन पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। ये मेरी अपनी ओन रेसिपी है, झटपट अगर बनाना हो तो फिर मैं इसी तरह ही, अगर बच्चों को झटपट बना के बहलाना हो तो मैं इसी यही वाली रेसिपी जो है वो ट्राई करती हूँ। सही है, इसमें जो मैं सामान डाल रही हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। इसकी डिटेली रेसिपी जो है मैं आपको फिर कभी कराऊँगी, अभी ज़रा जल्दी से बना रही थी तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा बता दूँ आप लोगों को। बच्चों के कज़न्स वगैरह आए हुए तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बना के बच्चों को मैं पेश करूँ। तो बस बनाती हूँ और आपको इसकी शक्ल दिखाऊँगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर रेसिपी चाहिए तो फिर मैं इसकी डिटेली रेसिपी आप लोगों को ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ये इसका बैटर है, ज़रूर शेयर करूँगी। सही है, तो बस जी आज के जो शशके थे वो यही चल रहे थे, और बस जी साथ साथ रहें मेरे शशकों के साथ साथ रहें। पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद आया। इसकी तो पिटाई लगाऊंगी पिंक वाली लड़की की, ये दोनों पिंक वाली लड़कियां हैं, इन दोनों की पिटाई लगेगी। तो ये है हमारा पैन पिज्जा, और अब्दुल्ला आप रिव्यू दें। 5 स्टार। और आप? 9.9। बस रहने दो, खाने के लिए खड़ा हुआ है सबसे पहले हमदान। और अब्दुल्ला बताओ यार सीरियसली, अच्छा लग रहा है? जी रिव्यू टाइम, जल्दी जल्दी रिव्यू टाइम। थैंक यू। फलक आपको कैसे लगा? और तो जी जनाब, हमारा पैन पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है, और इसकी शक्लो सूरत कुछ इस तरह की, ये देखें,
ये बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, बच्चों को झटपट बना के दे दें। अभी बच्चे आ गए थे तो मैंने बस झटपट सा बनाया है, पहले से कोई प्रिपरेशन करके नहीं रखी हुई थी, बस बच्चे आए हैं और मैंने झटपट से बना के बच्चों को सर्व किया है। तो अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स अगर आप बच्चों के लिए कर लें और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी में हमें भी बड़ी खुशी मिलती है। तो जिनको इसकी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने बस जस्ट रैंडम से आप लोगों के साथ ये बात शेयर की कि मतलब बच्चे आ गए थे तो झटपट से क्या बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं। तो जी जनाब, आज का जो व्लॉग था वो काफ़ी अनप्रोफेशनल था, यानी कि कोई उसमें कोई तैयारी वैयारी नहीं थी या कुछ सोचा हुआ नहीं था, प्लान नहीं था, बस सडन ऐसे ही जो था वो ही मैंने शूट कर लिया और जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, बस मुझे इसी तरह ही प्यार दें आप लोग, मेरी वीडियोज़ को भी इसी तरह ही लाइक करते रहें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलें कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है, इसको सब देख सकते हैं, सब एंजॉय कर सकते हैं। तो बस अपने व्लॉग को हमेशा की तरह एंड करने लगी हूँ। आज थोड़ा हैक्टिक डे था, गेट्स भी आ गए थे, लेकिन हम मॉम्स का तो यही है, रूटीन होती है। और आज जोक ऑफ द डे भी आप लोगों को पता चला ही होगा कि क्या था, मैंने जो वीडियो बनाई थी, शूट किया था अपनी रेसिपी, तो वो शूट भी नहीं हो पाई, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमारा साथ बहुत लंबा है, बहुत आगे तक का है। इंशाल्लाह आगे मैं ज़रूर फिर ये जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ दोनों रेसिपी शेयर करूंगी, पैन पिज़्ज़ा की भी और जो है अपनी ब्लैक पेपर चिकन जो मैंने कढ़ाई बनाई थी उसकी भी। तो बस मेरे साथ साथ रहें, मुझे इसी तरह पसंद करते रहें और मुझे इंकरेज करते रहें, मेरी इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। आपके पसंद करने से, आपके हौसला अफजाई करने से जो है बहुत कुछ दिल चाहता है करने का, आपसे बातें करने का, आपसे कनेक्ट करने का। तो बस मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब एक छोटे से नोट के साथ अपने व्लॉग को एंड करने लगी हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 ज़्यादा खुश रखें, आबाद रखें, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें और आपके रिस्क में इजाफा करें। यही दुआ आप लोग मेरे लिए किया करें, मेरी फैमिली के लिए किया करें। बस एक छोटे से नोट के साथ, एक छोटी सी दुआ के साथ, एक छोटा सा अल्लाह हाफिज़।